बीते एक दिन पहला अमृतसर के पिंड रामपुरा विच एक मासूम 7 साला अभिरोष अगवा होंदी है। उस तो बाद पूरे इलाके दे विच सनसनी फैल जाती है। 7 साला मासूम अभिरोष किथे गई? दो मोटरसाइकिल सवार उसनूं चकदे हुए दिखाई देंदे ने, जिसकी सीसीटीवी फुटेज साफ देखी जा सकती है। लेकिन जदों पुलिस ने गंभीरता नाल इस केस की जाँच की तो सनसनी खेस खुलासे सामने आए। कातल बल्कि किसी होर ने नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची की मतरेई माँ ने किया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वह बाल्टी के मतरेई कर चुकी माँ उस मासूम बच्ची के टोटे करके उसी लाश को लेके आ रही जा रही है। उस तो बाद एक सुनसान थान से जिथे छप्पड़ सी पानी का उत्थे वह उस लाश के टुकड़िया सीटती है, तो उस तो बाद खाली बाल्टी लैके घर आती है। ये सारी कहानी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। एक दिन पहला यही मतरेई माँ रो रो के खेखण कर रही थी कि मेरी बच्ची नू अगवा कर लिया गया। दरअसल ये सारा मामला मतरेई माँ तो शुरू होंदा है और मतरेई माँ ने कुछ लोगों के नाल दो मुंडियां दे नाल मिलके इस वारदात नू इस कतल नू इंजाम दिता और ये लगा दिता कि मामला किडनैपिंग का है। आखिरकार इस मतरेई माँ ने इस मासूम बच्ची का कतल क्यों किया? पति मुताबक उसकी पहला वाली घरवाली की मौत हो चुकी सी, उसने दूसरा ब्याह करवाया सी, लेकिन उसनू नहीं सी पता कि बाढ़ ही खेत नू खा जाएगी। उसकी अपनी दूजी घरवाली उसकी मासूम बच्ची का बेरहमी दे नाल कतल करवा देगी। बहरहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता नाल जांच कर रही है। आखिरकार यह कतल क्यों किया गया, इस पिछे कारण की सी? लेकिन इस कतल तो बाद पिंड वासियों विच सहम का माहौल है। पिंड वासी डरे हुए ने कि वारदात इस तरह की वारदात उन्होंने बच्चों के नाल किसी वापर ना जाए। मासूम बच्ची की डेड बॉडी जी है वह छप्पड़ विचों बरामद कर ली गई है और पिंड वासी जिहड़े ने उस बच्ची की लाश को देख के सख्ते विच ने, गम दे विच ने, पूरा माहौल गमगीन है। और सुन दस दिए कि एक दिन पहला इस मासूम बच्ची को अगवा की खबर फैलाई गई थी कि दो मोटरसाइकिल सवार इस अभिरोष जिहड़ी मासूम बच्ची है उसनु अगवा करके लै गए। बड़े इस मतरेई माँ ने रो पिट के ड्रामे किए सी। 7 साल मासूम बच्ची की लाश जी है वो छप्पड़ विचों मिली है। हुण तक की सब तो बड़ी अपडेट सवेरे सवेरे की गमगीन खबर कि अमृतसर चो रामपुरा पिंड अगवा हुई अभिरोष की लाश पिंड के ही छप्पड़ के कट्टी वड्डी हुई मिली।